असलम डी स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं जो लिखा है में लें एंड वॉकी ने 2017 में और आर्टिकल का नाम है एक्सपर्ट्स व्यूज ऑन टी पैक फॉर अर्ली लिटरेसी और प्रायोरिटीज फॉर टीचर एजुकेशन नाउ इस आर्टिकल के अंदर आज हम क्लियरली देखेंगे कि इसका लिटरेचर रिव्यू हम पढ़ चुके हैं कि इस आर्टिकल के अंदर रिसर्चर्स ने एक्चुअली रिसर्च की कैसे है तो so, बुनियादी तौर पर इस आर्टिकल के अंदर जो उन्होंने साम्पल स्टडी किया है जिसमें उन्होंने अर्ली स्कूल्स लिए हैं वो अर्ली ईयर के स्कूल जो हैं एक है बेल्जियम के लिए हैं और दूसरा नीदरलैंड के लिए हैं सो uh, so, uh, हमें इस स्टडी के अंदर पता चलता है कि बेल्जियम में प्री स्कूल जो है वो शुरू हो जाता है ढाई साल की उम्र के बच्चे जो हैं वो उसके अंदर एनरोल हो सकते हैं जबकि नदरलैंड में तकरीबन चार साल की उम्र से बच्चा प्री स्कूल के अंदर इन हो जाता है और सिक्स छः साल के बाद से जो है वो कंपलसरी स्कूलिंग जो है वहाँ दोनों मुल्कों के अंदर मौजूद है ना इसका मतलब ये हुआ कि इनके साम्पल जो है क्योंकि नीदरलैंड से भी है और बेल्जियम से भी है दैट्स अ रीज़न तकरीबन ये जो कैटर कर रहे हैं टीचर्स और जिन टीचर्स की स्किल जानना चाहते हैं कि वो टीचर्स जो तो ढाई साल से चार साल के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं प्री स्कूल में उनके अंदर किस किस्म का टेक्नोलॉजिकल नॉलेज और स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो अपनी पैडागॉजी को और अपने कंटेंट को टेक्नोलॉजी के साथ स्किलफुली इंटीग्रेट कर सकें और अपनी क्लासरूम में बच्चों के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को फैसिलिटेट कर सकें ना ये उनका सैम्पल था इनका जो स्पेसिफिक फोकस था वो ये था कि इन आ, ये जो दो उम्र के बच्चे हैं इनके टीचर्स को हमने फोकस करना है और इनकी जो टेक्नोलॉजिकल स्किल रिक्वायर्ड है उसको देखना है उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स थे जो टेक्नोलॉजी के थे लैंग्वेज टीचिंग के थे और अर्ली लिटरेसी स्किल्स के थे उनसे उन्होंने ओपिनियन ली और उन एक्सपर्ट्स ने क्या ओपिनियन दी कि किस किस्म की टेक्नोलॉजिकल uh, स्किल्स उन टीचर में होनी चाहिए वो अब आपके सामने है सबसे पहले हेडिंग आती है एप्लीकेशन इन हार्डवेयर की नॉलेज के बारे में एक्सपर्ट का कहना ये था कि उन्होंने एग्जांपल दी कि अर्ली ईयर्स के अंदर टीचर्स को पता होना चाहिए कि किस किस्म के हार्डवेयर और एप्स जो है, वो already हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं किन्ंडर के लिए और वो उनको कैसे ऑपरेट किया जाता है उनको इस बारे में ऑलरेडी नॉलेज होना चाहिए उन्होंने डिजिटल स्टोरी बुक्स के बारे में डिस्कस किया और बताया उन्होंने बताया कि कुछ सर्टन ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके अंदर वेरिएशन मौजूद है इस्पेशली uh, जब आप उनको विकैब्री सॉफ़्टवेयर के तौर पर देखते हो तो विकैब्रे इहांसमेंट की उनके अंदर फ़ीचर्स मौजूद हैं सो टीचर्स को इस बारे में पता होना चाहिए कि वो कौन से ब्रांड्स हैं कौन से एप्स हैं और कौन सी कंपनीज हैं जो ये ऐप्स बनाती हैं और टीचर्स uh, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं उसके अलावा एक्सपर्ट्स का कहना ये था कि विकैब्रे सॉफ़्टवेयर जब हमारे सामने आते हैं तो हम जनरल वोकेबरी सॉफ्टवेयर और स्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर दोनों को देखना चाहिए टीचर्स को दोनों के बारे में पता होना चाहिए uh, हो सकता है कि अभी ये जो एग्ज़ैम्पल आप पढ़ रहे हैं ये हमें अवेलेबल नहीं है पर डेफिनेटली उन मुल्कों में अवेलेबल होगी जैसे टू सिंपल इन्फेंट वीडियो टूल बॉक्स टीचर्स को उसके बारे में पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए इसे कैसे इस्तेमाल करना है uh, उनका मशवरा ये था कि स्पीकिंग लिसनिंग जो है दोनों इस टूल बॉक्स के थ्रू ये दोनों स्किल्स जो हैं वो डिवेलप हो जाती हैं लैंग्वेज की इस्पेली uh, जब हम कम्बाइन करते हैं बच्चों की वर्बल एबिलिटीज़ को स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल के साथ तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वीडियो टू uh, वीडियो टूल बॉक्स के अंदर uh, इस तरीके से मौजूद हैं फीचर्स के अगर टीचर उन्हें अपनी इंस्ट्रक्शन में यूज़ करें तो बच्चों को हेल्प आउट करती हैं उनका कहना ये भी था कि बहुत से रीडिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और वो जो प्रोग्राम है वो आपका जो करिकुलम से रिकमेंडेड प्रोग्राम है टीचर्स जो हैं किडरी में उन प्रोग्राम्स को भी यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर जो हैं वो स्पेसिफिकली क्रिएट भी किए जा सकते हैं और करवाए भी जा सकते हैं जो बच्चों के स्पेसिफ़िक नीड्स के मुताबिक कंस्ट्रक करवाए जाएँ या सॉफ्टवेयर ऐसे भी हो सकते हैं आ, जिसके अंदर बच्चे ख़ुद से कोई ना कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हों और उनके वो स्पेसिफ़िक सॉफ्टवेयर बन जाए जिसके अंदर बच्चे जो हैं अपने पोर्टफोलियोस को मेंटेन करें आ, या वो अपना सॉफ्टवेयर के अंदर कोई इस किस्म की मेमोरी मौजूद हो जो बच्चों की वर्ड प्रोसेसिंग जो हो रही है उसको वो रिकॉर्ड कर ले और उसके बारे में असेसमेंट देता रहे जेनरिक uh, एप्स के बारे में उन्होंने डिस्कशन की वेबसाइट्स के बारे में उन्होंने डिस्कशन की और बताया कि ये बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिनको बारे में टीचर को पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि टीचर जो है इन वेबसाइट से लर्न कर सकें और उनको यूज़ कर सकें अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किंडर गार्डन के अंदर जो मोस्ट कॉमन चीज़ तमाम एक्सपर्ट्स ने डिस्कस की हार्डवेयर में उसका नाम है टैबलेट्स uh, उसकी वजह यह है कि टैबलेट्स जो हैं वो मोस्ट वाइडली अवेलेबल हैं आ, घरों में भी और स्कूलों में भी और मोस्ट कॉमन फीचर हैं जो हमें टेक्नोलॉजी में नज़र आता है एक्सपर्ट्स uh, का कहना ये था कि कम्प्यूटर्स की नस्बत अगर क्लासरूम में छोटे बच्चों की क्लासरूम में किन्ंडर गार्डन में प्ले ग्रुप्स में अर्ली ईयर में टैबलेट्स मौजूद हों तो कंप्यूटर से ज़्यादा अफेक्टिव हैं उसकी जो की uh, uh, जो हमें एक मेन वजह समझ आती है वो मेन वजह ये समझ आती है कि कंप्यूटर जो है स्पेस बहुत ज़्यादा लेते हैं अब आप ये देखिए कि अर्ली ईयर क्लासरूम में हमारे पास जो है लर्निंग स्पेस मौजूद होते हैं मल्टीपल लर्निंग स्पेस होते हैं एक्टिविटी स्पेस मौजूद होते हैं जिसके अंदर हम मैथ की जो है प्ले स्पेस अलग बनाते हैं लाइब्रेरी का रीडिंग स्पेस अलग बनाते हैं आर्ट का स्पेस अलग बनाते हैं उस कमरे के अंदर बड़े बड़े कंप्यूटर्स का होना आ, कितना मुश्किल काम है तो उनका कहना ये था कि कंप्यूटर की जगह अगर टैबलेट्स इस्तेमाल की जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर हैं और दूसरा उनका कहना ये था कि जो इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स हैं वो भी किन्डर गार्डन क्लास में बड़े इफेक्टिव होते हैं इस्पेली जब हम स्टोरी टेलिंग के लिए इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड को इस्तेमाल करते हैं और बाबा ज़ेबुल बच्चों को पढ़ के सुना रहे होते हैं तो बहुत बड़ी स्क्रीन पे इंटरेक्टिव जो है फंक्शंस जो है वो टीचर खुद करके दिखा सकते हैं बच्चे बाद में आके एक से ज़्यादा बच्चे उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं तो वो भी बड़ा इफेक्टिव रहता है और कुछ एक्सपर्ट्स ने मल्टी टच टैबलेट्स के बारे में भी बात की कि क्लासरूम्स में उनका होना भी ज़रूरी है और टीचर्स को उनके बारे में पता होना भी ज़रूरी है और ये भी डिस्कस किया कि आ, जैसे कि टेक्नोलॉजी का हिस्सा ही है प्रिंटर तो प्रिंटर भी अर्ली ईयर क्लासरूम में होना ज़रूरी है और टीचर्स का प्रिंटर को भी यूज़ करना जानना ज़रूरी है